तो कल बच्चे आप डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस. हाँ जी, आइसोवैलेरिक एसिड, 3-methylbutanoic एसिड है या 2-methylbutanoic एसिड? 3-methyl है, कल मैंने वो दो नाम मिक्स कर दिए थे. हाँ, 3-methyl है ना? 3-methyl है, जो मतलब नोट्स में है वो बिल्कुल सही है. जो मैंने यहाँ पे दो नाम अलग अलग लिख दिए, आइसोवैलेरिक में 3-methyl है और 2-methyl वाला अलग बनेगा, वो आगे एग्जांपल किया हुआ मैंने. ठीक है. और एक छोटा सा डाउट और, कि जब वो रिंग वाला आपने करवाया था कल, हाँ जी, तो उसमें बीआर रिंग बनने से पहले रिमूव हो जाता है, पहले रिंग पे अटैच होता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद होता है रिमूव? नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन से पहले ही हो जाएगा. मतलब जब वो रिंग बनती है उससे पहले हो जाएगा ना? हाँ, हाँ जी, रिंग तभी बनेगी अगर ब्रोमीन रिमूव होगा, फोर पूरी हो ही जाएंगी. हाँ जी, हाँ जी, अगर ब्रोमीन रिमूव होगा तभी बॉन्ड बनेगी, उसके बाद रिमूव मतलब उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगी. ठीक है, ओके सर, बस यही पूछना था. चलो ठीक है जी. अब एक बार देखो, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता रहा हूँ. कल आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी. एप्लीकेशन में आपने दो तरह के कंपाउंड बनाए थे. पहले तो आपने बनाए थे मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स. उसके बाद आपने बनाए थे मोनोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. मतलब आप साइक्लोएल्केन बना रहे थे और साइक्लोएल्केन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लगा रहे थे, एक. आज हम जो करेंगे, हम बनाएंगे तो हमारे साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब साइक्लोएल्केन वाले, लेकिन उसके साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हम अटैच करेंगे. तो हम आज बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ. सर थोड़ा नीचे लिखो. नीचे तो नहीं लिखेंगे, स्क्रीन शॉट कर देंगे. हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शॉट कर देते हैं. एक सेकंड रुको बस. तो हम सिंथेसिस करेंगे साइक्लोएल्केन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अभी भी साइक्लोएल्केन बनाएंगे, लेकिन उसपे दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं. दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज बता देता हूं, वही आपको फॉलो करनी है. आपने स्टार्टिंग करनी है 2 moles ऑफ मेलोनिक एसिड के साथ. अभी तक आप क्या कर रहे थे, जितनी भी कन्वर्जन्स पड़ी थी उन सभी कन्वर्जन्स में मेलोनिक एसिड का एक ही मोल लेते थे, एक मॉलिक्यूल लेते थे, उसके लिए रिएक्शन करवाते थे. अभी अपने को स्टार्टिंग करनी है 2 moles के साथ. तो आप मेलोनिक एस्टर के 2 mole लेके चलेंगे, वहां से अपने को एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एक पहले मोल से, एक दूसरे मोल से. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. अब इसमें वो आपको या तो 4 member वाला साइक्लोएल्केन बनाने के लिए बोलेगा या 5 member वाला. तो दोनों कैसे बनाने हैं देखो, मेथड दोनों का सेम है, बस एक ही रिएक्टेंट अलग होगा. तो एक बार रिएक्शन को ध्यान से देखना. मैंने मेलोनिक एस्टर के 2 molecule ले लिए. ये मेलोनिक एस्टर है, मैंने इसके 2 molecule ले लिए. दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक हाइड्रोजन निकालना है, तो मुझे यहां पे 2 base लेने पड़ेंगे. पहला बेस पहले मॉलिक्यूल में से निकालेगा, दूसरा बेस दूसरे मॉलिक्यूल में से. तो ये वाले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे. मेरे पास 2 molecule आ जाएंगे इनोलेट आयन के इस तरीके से. ये वाला जो मॉलिक्यूल था, मैंने इस मॉलिक्यूल को कंडेंस कर दिया. देखो, एक हाइड्रोजन चला गया CH और CH के साथ 2 ester group, CH के साथ 2 ester group. ऐसे 2 molecule है मेरे पास. तो एक मॉलिक्यूल तो मैंने आपको यहां पे ये शो कर दिया, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो शो कर रहा हूं. ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल. अलग अलग क्यों शो किए, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहां पे अपनी रिएक्शन की स्टार्टिंग होगी. हमें स्टार्टिंग में 2 moles लेने हैं हमारे मेलोनिक एस्टर के.
तो अब देखो आगे, ये हमारे पास हमारा रिएक्टेंट आ गया। अगला स्टेप देखो, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप बता रहा हूं। हमें लेना है 1,2-dibromoethane, 1,2-dibromoethane की इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवानी है। तो CH नेगेटिव COO C2H5 ट्वाइस, CH नेगेटिव COO C2H5 ट्वाइस। क्या होगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन बाहर, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन बाहर। तो यहां पे मेरे पास दो ब्रोमाइड आयंस रिमूव होंगे, बन जाएगा CH2CH, CH2CH, COO C2H5 ट्वाइस, COO C2H5 ट्वाइस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले हमने दो मोल्स लेने हैं हमारे मेलोनिक एस्टर के, उसके बाद जो अपने दो मोल्स लिए उसकी रिएक्शन अपने करवा दी 1,2-dibromoethane के साथ। तो ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन गया। साइक्लिक अभी भी नहीं है ये, इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा देखो, CH2CH, CH2CH, COO C2H5 twice, COO C2H5 twice। ये वाले जो कार्बन है इनके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, वो एसिडिक है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने निकालना है। दोनों हाइड्रोजन को निकालने के लिए दो मॉलिक्यूल आएंगे बेस के, दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले गए, इथेनॉल बनके रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा CH2C नेगेटिव, COO C2H5 ट्वाइस, COO C2H5 ट्वाइस। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। अब देखो, मैंने आपको दो एग्जांपल करवानी है, एक में आपको 4 मेंबर की रिंग बना के दिखाऊंगा, एक 5 मेंबर की रिंग। आप दोनों में से कोई भी एग्जांपल यहां पे मान के चलो, दोनों एग्जांपल्स में स्टार्टिंग यहीं से होगी। अभी मैं आपको 4 मेंबर वाला करवा रहा हूं, ये स्टेप आपको करने ही करने हैं। इसके बाद मैं आपको 5 मेंबर वाला करवाऊंगा, उसमें भी ये स्टेप रिपीट होंगे। तो हमारे जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो पहले 3 स्टेप्स हमारे डिटो रहेंगे किसी भी कन्वर्जन में, चाहे आप 4 मेंबर वाला बनाओ चाहे 5 मेंबर वाला बनाओ। अब ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन करना है। इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन करने के लिए आयोडीन से रिएक्शन करवाएंगे। आयोडीन क्या करेगा, इन दोनों नेगेटिव चार्जेस में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, आयोडाइड आयन बन जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा आई नेगेटिव, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा आई नेगेटिव। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा रेडिकल, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा रेडिकल, वो रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगी। तो यहां पे बॉन्ड बनाने का तरीका ये है, आयोडीन से रिएक्शन करवा दो, हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक हो जाएगा इस तरीके से, COO C2H5 ट्वाइस, COO C2H5 ट्वाइस। तो ये मैंने आपको यहां पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बता दिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सोना नहीं है, जल्दी रिस्पॉन्स देना है। हाँ जी, जसप्रीत का हाथ खड़ा हो गया, अभी जसप्रीत कह रही है हमारे हाथ खड़े हैं, बोलो जसप्रीत। जसप्रीत सर, हाँ जी सर, नेट स्लो है आपका, थोड़ा ऐसे अड़ जाता है, मतलब ब्लैक बोर्ड भी नहीं देख रहा सही से। सर का नेट सही है, आपका स्लो है। हाँ सर का नेट सही चल रहा है, सर लैपटॉप पे चला रहे हैं साथ साथ, तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो जरूर बताएंगे आप। एक बार अगर दिक्कत आ रही है ना तो क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, सेट हो जाएगा काम। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए, तीसरे स्टेप में हमने हमारा साइक्लिक रिंग जो है वो बना लिया। अब फाइनली हमें यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने हैं, तो वो देखो,
फोर्थ स्टेप पे आ गए, एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मेरे पास है CH2C, यहां पे एस्टर था, दो एस्टर थे ना, दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूं, इसके पास भी दो एस्टर थे, दोनों अलग अलग दिखा रहा हूं। इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए आप यूज करते थे एक्वस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हमारे एस्टर वाले ग्रुप हैं, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, हमारे पास चार हैं, चार में से दो रिमूव करने हैं। रिमूव करने के लिए हीट करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक ऊपर से एक कार्बोक्सिलिक नीचे से, बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फोर मेंबर साइक्लोएल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, सिर्फ ये वाला स्टेप में सारा स्टेप सेम है। हाँ जी बोलो। सेकंड स्टेप से शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दो बच्चे। मैंने ये बोला पहले, अपन ने पहले स्टेप में दो मोल लिए थे इनोलेट आयन के, वो दोनों मोल लिए थे। अब यहां से मुझे दो कार्बन मिलेंगे, एक कार्बन जो होगा वो रिंग में आएगा और दूसरा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां से एक कार्बन मिलेगा रिंग के लिए, यहां से एक कार्बन मिलेगा, दो कार्बन ये हो गए, दो और चाहिए तो उसके लिए मैंने रिएक्शन करवा दी 1,2 डाइब्रोमोइथेन से। तो जब हम हमारे इनोलेट आयन्स को 1,2 डाइब्रोमोइथेन से रिएक्ट करवाएंगे, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, सॉरी दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये हमारी फोर मेंबर का कंपाउंड बन जाएगा। इस फोर मेंबर कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाऊंगा बेस की हेल्प से, बेस इन दोनों को नेगेटिवली चार्ज बना देगा, फिर आयोडीन की हेल्प से आप यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बना लेंगे। आयोडीन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन ले जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रहेगा, कार्बन रेडिकल। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले गया, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे, कार्बन रेडिकल। ये रेडिकल मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अभी साइक्लिक कंपाउंड में एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दो, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर दो, बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास अपना पूरा प्रोसीजर था। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल टिकटो है, मैंने बताया बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, बस ये वाला स्टेप चेंज करूंगा। कार्बन चाहिए थे, चारों अवेलेबल थे, अगले वाले में पांच कार्बन चाहिए तो यहाँ पे रिएक्टेंट चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ जी बोलो। I2 का बस यही रोल है कि वो रिंग बना देता है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे आगे भी आप रिएक्शन देखोगे अभी आने वाले टॉपिक्स में, आयोडीन का सिर्फ इतना ही रोल था कि उसने रिंग बनानी थी, और कोई रोल नहीं है। ओके सर, ओके सर, चलो। हाँ जी, एक फोर मेंबर मैंने बना के दिखाया, एक और दिखाता हूँ फाइव मेंबर बना के। हम बना रहे हैं साइक्लोएल्केन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फाइव मेंबर। तो ध्यान से देखना, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये आयोडीन वाला स्टेप चेंज होगा। सबसे पहले मैंने दो मोल ले लिए मेलोनिक एस्टर के, कंडेंस करके शो कर दिया। दो मॉलिक्यूल्स के लिए दो बेस चाहिए, दोनों बेस यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, इथेनॉल बना के रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे टू मोल्स ऑफ इनोलेट आयन। ये वाला स्टेप मैंने पहले भी किया था। अब यहां पे आप ने रिएक्शन करवानी है 1,2 डाइब्रोमोइथेन से। 1,2 डाइब्रोमोइथेन रिएक्ट करेगा टू मोल्स ऑफ इनोलेट आयन के साथ। तो जैसे लास्ट रिएक्शन में हुआ था, दोनों ब्रोमीन बाहर, CH2 इन दोनों के साथ कंबाइन हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा CH2CH
CH to CH, COO C2H5 twice, COO C2H5 twice. अब देखो ये फिर से फोर मेंबर बन रही है लेकिन हमें फाइव मेंबर बनानी है, तो उसके लिए स्टेप देखना ध्यान से। ये चार कार्बन आ गए, इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है, फिर से बेस का अटैक करवाएंगे। तो CH2 CH, CH2 CH, COO C2H5, COO C2H5। तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाने हैं, दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाने के लिए फिर से बेस का अटैक करवाएंगे। CH2 C नेगेटिव, CH2 C नेगेटिव, COO C2H5 twice, COO C2H5 twice। यहां तक रिएक्शन मैंने बिल्कुल पहले वाली ही रिपीट किया है, कोई चेंज नहीं आया। अब जो मेन स्टेप है चेंज करने वाला वो ध्यान से देखो। यहां भी ये दोनों कार्बन है, अगर मुझे इन दोनों कार्बन को डायरेक्टली कंबाइन करना होता तो फिर तो मैं डाल देता आयोडीन, लेकिन मुझे यहां पे पांच मेंबर की रिंग बनानी है। अभी जो रिंग बन रही है वो चार मेंबर की बन रही है, पांच मेंबर की रिंग बनाने के लिए एक कार्बन फालतू चाहिए, तो यहां पे मैं यूज करूंगा सी एच टू आई डू आईडो मिथाइलिन। तो यहां पे एक कार्बन मुझे यहां से मिलेगा, जब इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा ये वाले दोनों आयोडीन यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, दो आयोडीन आयोडाइड आयन रिमूव होंगे, ये वाला सी एच टू यहां पे आके कंबाइन हो जाएगा दोनों के साथ, हमारा कंपाउंड बनेगा ये। जो ये हमारे हाइड्रोजन्स थे, सॉरी जो ये हमारे नेगेटिव चार्ज थे, इन नेगेटिव चार्ज की हेल्प से आपने यहाँ पे सी एच टू को कंबाइन कर लिया। अब ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के दो ही बॉन्ड बने हैं, दो और बनाने हैं, तो वो दोनों बनेंगे एस्टर के साथ। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड है, इसके भी दो बॉन्ड बनाने थे, तो बाकी के दो बनेंगे एस्टर के साथ। तो सिर्फ इसी स्टेप में फर्क आया और कोई फर्क नहीं है। अगर आपने चारों की रिंग बनानी थी तो अकेला आयोडीन ले लो, अगर आपने इसमें एक कार्बन ऐड करना था तो आपको लेना पड़ेगा CH2I2, वो CH2I2 में से आयोडीन बाहर निकल जाएंगे, CH2 कंबाइन हो जाएगा फाइव मेंबर की रिंग। अब फाइव मेंबर की रिंग बन गई, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ एक्वस KOH और हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और फाइनली फिर आप इसको हीट कर देंगे, हीट करने पे बन जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, हमारा फाइव मेंबर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन आ गई। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो तो ये हमारे पास हमारी थर्ड टाइप की एप्लीकेशन थी, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कल आपने बनाए थे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपने बनाए साइक्लोएल्केन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आज आपने थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी साइक्लोएल्केन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास हमारा केस था। अब आ गए हैं हम इसकी लास्ट सिंथेसिस पे, लास्ट एप्लीकेशन पे। मेलोनिक एस्टर हमारा खत्म हो जाएगा, मेलोनिक एस्टर खत्म होते ही हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया सिंथेसिस ऑफ एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी आपने साइक्लिक वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे ना, अब साइक्लिक वाले नहीं, अब अपने को बनाने हैं
एलिफेटिक डायकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ओपन चेन वाले डायकार्बोक्सिलिक एसिड, ओपन चेन वालों में अपने को बनानी है 1,3 डायकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डायकार्बोक्सिलिक कौन से होंगे, पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक होगा और तीसरा कार्बन कार्बोक्सिलिक होगा, बीच में दूसरा कार्बन जो है वो सिंपल होगा कार्बन चेन वाला। फिर हम बना सकते हैं 1,4 वाली, पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक, फोर्थ कार्बन कार्बोक्सिलिक, बीच में जो दो कार्बन आ रहे हैं वो नॉर्मल कार्बन। फिर बना सकते हैं 1,5 वाला और फिर बना सकते हैं 1,6 वाला। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। मैं आपको 1 by 1 सारे केस फटाफट जल्दी से समझा देता हूं। तो देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल जाएगा। देखो कैसे, मेलोनिक एस्टर से स्टार्ट करूंगा, इसके साथ अपने कोई पंगा नहीं लेंगे, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, एक्वस KOH हाइड्रोलाइज करोगे तो ये भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ले छोड़ दो। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 1 और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, तो ये हमारा 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिंपल सा केस। अगर आपको इस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए फिर आपको लंबे वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा। जो आपने कल पहली एप्लीकेशन की थी वो पहली एप्लीकेशन यहां पे यूज होगी। फटाफट करके दिखा देता हूं। देखो मेलोनिक एस्टर लेंगे स्टार्टिंग में, रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, बेस हाइड्रोजन ले जाएगा, इनोलेट आयन बन गया। अब ये जो इनोलेट आयन बना इसकी रिएक्शन करवा दो एल्काइल हैलाइड के साथ, कार्बन चेन ऐड हो जाएगी, एक्स बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट आ गया 1,2,3 यानी कि 1,3 डायकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा 1,3 डायकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये वो कल वाली रिएक्शन ही है जो मैंने आपको पहले करवाई थी, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाली। बस यहां पे मैं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कर रहा, अगर डीकार्बोक्सिलेशन कर दूंगा तो वो मोनो में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी हेडिंग टाइप वाली है। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। पेपर में वो आपको कोई भी एक कंपाउंड बनाने के लिए बोल देंगे तो एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, वही आती है पेपर में, 99% एप्लीकेशंस आती है। हो सकता है इसमें से एक जूरी का टॉपिक आ जाए, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, वो आप लास्ट में करेंगे। तो 1,3 में कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1,3 वाला कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करते हैं 1,4 डायकार्बोक्सिलिक एसिड। हमें बनानी है 1,4 डायकार्बोक्सिलिक एसिड। अब 1,4 डायकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के ना दो तरीके हैं, तो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका है रिएक्शन ऑफ मेलोनिक एस्टर विद अल्फा ब्रोमो एसिटेट। या चलो एसिटेट आप फिक्स मत करो क्योंकि कोई भी कार्बन चेन आ सकती है, तो आप यहां पे कर लो अल्फा ब्रोमो एस्टर, कोई भी एस्टर ले लो, जरूरी थोड़ी एसिटेट लेने। तो मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ। देखो सर वो तो ब्रोमो भी कोई कंपलसरी नहीं है, हेलो हो सकता है। हाँ मतलब कोई भी ले सकते हैं, ब्रोमीन आप इसलिए लेते हैं फ्लोरीन तो रिएक्शन करेगा ही, आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, फ्लोरीन को हमने रिजेक्ट कर दिया वो करेगा नहीं, आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल है वो भी रिजेक्ट हो गया। अब क्लोरो ब्रोमो बचे, क्लोरो और ब्रोमो में से ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए आप ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो ब्रोमो एस्टर से बेटर रिएजेंट तो फिक्स कर दिया। ठीक है,
हाँ जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं आपा। सबसे पहले मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवा दी बेस के साथ, ये बन गया हमारा इनोलेट आयन। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ। तो देखो अल्फा ब्रोमो एस्टर मतलब एस्टर ग्रुप होगा, उससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे आपने ब्रोमीन लगाना है, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर, यानी कि बी आर सी एच टू ओ सी ओ आर, ये हमारे पास हमारा अल्फा ब्रोमो एस्टर है। नेगेटिव चार्ज सी एच टू पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास आ गया आर सी ओ ओ सी एच टू, उसके साथ ये सी एच, सी एच के साथ एक एस्टर ऊपर और एक एस्टर नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखो हमारे मॉलिक्यूल में तीन एस्टर हो गए, तीनों की हाइड्रोलिसिस कर दो, तीनों की हाइड्रोलिसिस करोगे, ये वाली कार्बन चेन है, सी एच टू के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एच के साथ दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या करेंगे इसको हीट करेंगे, हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक दो तीन चार, 1 और 4 पे आ रहा है। तो ये हमारे पास हमारा पहला मेथड था 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा तो अपने पास एक और तरीका है, दैट इज मेथड टू। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, इनोलेट आयन से 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल्स ऑफ इनोलेट आयन, दोनों को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के रिमूव हो गए, हमारे पास आ जाएंगे हमारे 2 इनोलेट आयन। ये हमारे पास आ गए हमारे 2 इनोलेट आयंस। अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है, अंजलि कैसे कंबाइन करेंगे दोनों को, I2 से सर, I2 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोडीन से कंबाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों कार्बन आपस में कंबाइन हो गए CH और CH। मैंने बोला था वो तरीका काफी बार यूज होगा, तो ये अपने पास दोनों की कॉम्बिनेशन आ गई। अब इनकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहले मैं कर देता हूं हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूं, हाइड्रोलिसिस करने पे आ जाएगा सी एच सी एच सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच, यहां पे भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे इस तरीके से, और फाइनली इसकी क्या कर देंगे डी कार्बोक्सिलेशन, हीट करके। डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो सी एच टू सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मेथड्स बता दिए मैंने, दोनों में से किसी भी मेथड में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा केस था 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। मैंने आपको 1,3 बना के दिखाया, 1,4 बना के दिखाया, अब बनाते हैं 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चे मैंने ना आपको 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मेथड बताए,
आपको उन दोनों में से कोई एक ही मेथड याद रखना है जो आपको इजी लगे, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कभी भी मेथड स्पेसिफिक नहीं आएगा, पेपर में वो बोलेगा कि हमें ये कंपाउंड बना दो, वो आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए करवाए क्योंकि मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं, आपने किसी एक ही मेथड में कंफर्टेबल होना है, जो मेथड आपको अच्छा लगे, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, चाहे अल्फा ब्रोमो एस्टर वाला चाहे आयोडीन वाला, वो आपकी मर्जी है। जहां में भी मैंने दो मेथड लिखे हुए हैं, आपने एक ही पढ़ना है एग्जाम के लिए, दोनों नहीं पढ़ना। आपको जो दोनों में सी लगे आप एक पढ़ो और उसी को अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1-5 डायकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1-5 वाला कैसे बनाएंगे, जैसे आपने साइक्लिक बनाया था ना उसी तरीके से मैं फॉलो करूंगा यहाँ पे सारा काम। देखो कैसे, दो मॉलिक्यूल लूंगा मेलोनिक एस्टर के, दोनों की रिएक्शन करवा दी सोडियम इथॉक्साइड के साथ, दो इथेनॉल रिमूव हो गए, मेरे पास बन जाएंगे दो इनोलेट आयंस, ये पहला और ये दूसरा। दो कार्बन यहां से मिलेंगे, दो कार्बन यहां से मिलेंगे, चार कार्बन हो गए, मुझे बनाना है 1-5। पांचवा कार्बन लाने के लिए क्या करूंगा, CH2Y2। जब आयोडीन अकेला लिया था तो 1-4 बना था, अब उसके साथ एक कार्बन फालतू ले लिया तो 1-5 बनेगा। तो ये वाला CH2 इन दोनों कार्बन से कंबाइन हो जाएगा, CH2 CH CH COOH COOH सॉरी अभी एस्टर बनाया, बाद में बनाएंगे। तो ट्वाइस एस्टर, दो कार्बन यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, एक लगा दिया, पांच कार्बन पूरे होंगे। हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस KOH के साथ, CH2 CH, इसके साथ भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली कर देंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो CH2 CH CH एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, एक ये रहा, यहां पे अपन ने एक यहां से रिमूव किया, एक यहां से रिमूव किया, दोनों हाइड्रोजन आ गए CH2 CH2, बन जाएगा 1-5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिल्कुल सेम मेथड जो मैंने ऊपर यूज किया, बस डिफरेंस इतना है वहां पे मुझे चार मेंबर चाहिए थे, यहां पे पांच, तो उसके लिए फिर मैंने CH2Y2 को यूज कर लिया। तो ये अपने पास अपना केस था 1-5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आ गए हैं हमारे लास्ट रिएक्शन पे, मेलोनिक एस्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से आप स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इथाइल एसिटोएसिटेट। उसकी रिएक्शंस लगभग सेम ही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये सीख लिया है। फिर लास्ट है हमारा कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, 2-3 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन आ रही है 1/6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे देखो, जब आपने 4 मेंबर वाला रिएक्ट करवाना था तब आपने 2 मोल ले लिए, आयोडीन को यूज किया। जब 5 मेंबर वाला बनाना था तो CH2 डाल दिया। अब 6 मेंबर बनाना है तो यहां पे मुझे 2 कार्बन ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 1-2 डाइब्रोमो इथेन लेना पड़ेगा, बाकी सारी रिएक्शन सेम है। देखो फटाफट, 2 मोल्स, ये आ गया ट्वाइस, रिएक्शन करवा रहा हूं बेस के साथ, दो रिमूव हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे 2 इनोलेट आयंस, दो कार्बन यहां से मिलेंगे, दो कार्बन यहां से मिलेंगे, चार कार्बन हो गए, बाकी के कार्बन मुझे मिलेंगे 1-2 डाइब्रोमो इथेन से। सर अब यहाँ पे कोई जरूरी है ब्रोमो ही होना चाहिए?
बच्चे ये कंपाउंड स्टेबल होता है अपने को, नहीं आप आयोडीन ले लो कोई ऐसा फर्क नहीं है, पर ये कॉमन कंपाउंड है इजिली प्रिपेयर हो जाता है तो आप ले लेते हैं, आयोडीन ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ पे अपने पास ये वाले और ये वाले इससे कंबाइन हो जाएंगे, हमारे पास आएगा CH2CH, इस पे दो एस्टर और इस पे भी दो एस्टर, हाइड्रोलिसिस करवा दो KOH के साथ, इस पे भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे वाले पे भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइनली हीट कर दो CO2 रिमूव, बन जाएगा 1,6-dicarboxylic एसिड। तो ये आ गया अपने पास अपना केस, सिंथेसिस जो थी वो खत्म हो गई है, इसी के साथ एप्लीकेशंस भी खत्म हो गई, मेलोनिक एस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो बाकी नोट्स में मैंने आपको सेंड करी थी, नोट्स के लिए रिएक्शन है वीडियो पर डिस्कस करेंगे ना, सेकंड कंपाउंड इथाइल एसिटेट। थैंक यू।